Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Final JEE Advanced Examination 2023 Paper 1 Sunday 4th June 2023 का पेपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं. द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट पी. इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जो हमने ये रिएक्शन कराई है. तो आपको पता है भाई ये CN है, तो CN में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम कराएंगे, दैट इज LiAlH4 देन H2. तो आपको पता है इसका रिडक्शन होगा, जो हमारा CN है वो कन्वर्ट होगा, दैट इज H2NCH2CHCH2NH2 CH2 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 NH2. क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इसमें एसिटोफिनोन ऐड करना है, दैट इज CH3CO PH. जो फिनाइल ग्रुप है आपको पता है ये एक बेंजीन है जिसमें ऑलरेडी 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, देखिए एक तो हो गया हमारे पास फिनाइल ग्रुप कार्बन, यहाँ पे आ गया मिथाइल डबल बॉन्ड N CH2 C CH2 N डबल बॉन्ड CH3 PH फिनाइल, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर आएगा CH2 N डबल बॉन्ड CH3 CH2 N डबल बॉन्ड PH और CH3. तो अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज आपको पता है 1, 2, 3 और 4 चार फिनाइल ग्रुप है और हर एक में कितने होते हैं, 6 sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं. तो 4 × 6 = 24. ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और यहां पर जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है. तो प्लस 4 और हो गए तो टोटल आंसर आया 28. तो इसका आंसर आएगा टोटल 28 आंसर होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.